कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना अच्छा जी फ्रेंड्स, हमेशा की तरह व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे करना होता है नाश्ता। सो मैं यहाँ जीटी रोड रावलपिंडी में भज्जे के पाए जो कि बहुत मशहूर हैं वो खाने लगी हूँ, और जल्दी से ऑर्डर देते हैं और फिर उसके बाद अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल माशाल्लाह नाश्ता बहुत ही यम्मी था और भज्जे के पाए तो ज़बरदस्त। आप लोग यहाँ से गुज़रें तो ये ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी हूँ और कलर सईदा रावलपिंडी, आपने नाम सुना होगा, उसकी तरफ चल पड़ी हूँ। तो हम लोग चलते हैं बेदी के महल में और देखते हैं जी बाबा दी हवेली कैसी है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पिया टीवी व्लॉग। और मैं आ गई हूँ अपनी मंजिल पे और आज मैं आपको विज़िट कराने लगी हूँ बेदी महल, और जिसको बाबा दी हवेली भी कहा जाता है। कलर सईदा में ये वाकया है। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आपको ये पूरी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। और हम ऐसा करते हैं कि अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंदर और जाकर देखते हैं कि बेदी महल अंदर से कैसा है। और मेरे ख़्याल से 250 से 300 साल पुरानी ये बिल्डिंग है जो आपको नज़र आ रही है। तो अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पर ये आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा, ये भी बहुत पुराना दरख्त है। जब से यहाँ पर ये बिल्डिंग है तो ये उस टाइम से ये दरख्त यहाँ पे कायम दायम है। आगे चलते हैं, अपने व्लॉग को आगे लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हवेली के बिल्कुल सामने एक कब्र मौजूद है जिसके बारे में मुझे पता चला कि ये बेदी बाबा की ही कब्र है जो यहाँ पर बनाई गई है। चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खुले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखेंगी निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, जो कि नचले पता है ना, अपने नैनों से तू नैनों में लगी मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी। कमरा दूसरे कमरे के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है,
जैसे कि ये देखें यहाँ पर, अच्छा ये कबर्ड, ये उस जमाने की कबर्ड देखें, इतनी हैवी है कि ये मेरे से अभी खुल नहीं रही। ये उस जमाने की कबर्ड्स बनी हुई है यहाँ पर, क्या आपके जैसे कोई स्टोर रूम होता है, कोई कबर्ड होती है कि आप यहाँ पर रख सकते हैं सब कुछ। और ये देखें, ये यहाँ पर इन्होंने बाकायदा जाली वाला डोर लगाया हुआ है और यहाँ से हर कमरा दूसरे कमरे के साथ कनेक्ट है। बस यहाँ पे केयरफुल होके हमें ज़रा चलना पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग जो है वो है तो बहुत, अभी भी बहुत मजबूत हो जा जरा, मतलब दुनिया की सुनता है क्यों भी सुन ले कभी। आपने देखा होगा बेदी महल बहुत खूबसूरत है, आज भी उसी तरह कायम दायम है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे महल खड़ा करना और उसको इतना पायदार बनाना, लकड़ी और सारा काम इतना पायदार होना, मेरे ख़्याल से ये किसी के बस की बात नहीं है। और ये उसी ज़माने में हुआ करता था और रियली के अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस ज़माने में इतना अच्छा सब कुछ था, लेकिन आज हम ये सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मे भी दौर ऐसा आ गया है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।